At your homes. So I am Jinu George. Going to take uh, your subject that is IP informatics practices. The subject code is 065. So last week we have started live stream class. Uh, hope you all attended. And if not, please, I would like to encourage you kindly attend all the live stream classes. Uh, we are going to organize it for you uh, because your attendance is important. Important and your attendance being monitored by the management. Fine, and always try to attend all the YouTube link videos we are going to share from today itself so that you uh, can go through your subject and you can uh, keep on learning new things. Fine, once again, I would like to welcome you all in this new session, uh, and uh, today we are going to start our. Uh, new chapter as well as a small introduction about the syllabus fine and before uh, getting into the syllabus I would like to inform you that uh, uh, books are available in market even though I am gonna give you uh, notes but if you feel like that you have you should purchase a book then go for this uh, book which I am gonna sh show you in the screen that is Sumita Aurora fine

थर्टी परसेंट ऑफ सिलेबस आपका कम हुआ है तो लास्ट ईयर का जो नाइनटीन ट्वेंटी का सिलेबस कंसिडर मत करना येस द सिलेबस इज सेम बट हाँ थोड़ा सा पोर्शन उसमें रिड्यूस हुआ है तो आई एम गोइंग गोनाट शो यू सिलेबस टूडे सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आप वही पढ़ें जो अभी करेंट में सिलेबस में है एंड वन मोर थिंग यू हैव मैसेजेस ऑप्शन इन योर स्टडी बेस ऐप So, if you have any doubt or any query regarding the subject or anything, you can text me on the same and I will get back to you as soon as possible. Fine? So, without wasting much of our time, let's uh, get a review of your syllabus. So, this is your revised syllabus of informatics practices 2020 21 with the subject code 065. So, you can see that you have four units in your subject.

इंट्रोडक्शन टू पाइथन दैट मीन्स जो प्रोग्रामिंग जो है पाइथन का वो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है डेटा बेस कंसेप्ट का एक पोर्शन होगा दैट इज थर्टी मार्क्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इंट्रोडक्शन टू एमरजिंग ट्रेंड्स दैट इज फाइव मार्क्स और थर्टी मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अपेयर होना है एंड यू हैव टू सबमिट अ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड विच वी विल डिस्कस लेट अ फाइन सो सेवेंटी मार्क्स का थ्योरी एंड थर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल है और इसके पी फ़ाइल में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर है तो वो मैं आपको पी फाइल के साथ शेयर कर दूँगी सो आपके यूनिट वन में सिर्फ एक ही चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर मेमरी यूनिट्स ऑफ मेमरी टाइप्स ऑफ मेमरी दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा डिलीशन इट्स रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न सॉफ्टवेयर परपजेज एंड टाइप्स सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरिक एंड स्पेसिफिक पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इट्स सेल्फ तो ये सारे जो पोर्शन है वो आपके चैप्टर वन के अंदर ही है और यूनिट वन में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है सो so, जो भी चैप्टर है वो मैं पार्ट ए बी सी करके पढ़ाऊंगी तो आज हम लोग पार्ट ए जो है कम कम्प्लीट करेंगे जिसमें हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे वो बेसिक है आप लोगों को पहले से ही ये सारी चीज़ें पता है फर्स्ट चैप्टर इज़ नॉट अ बिग डील तो बिल्कुल डिटेल ना जाकर मैं बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड यूनिट टू इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन जिसमें हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे सो so, क्या क्या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं क्या क्या प्रोग्रामिंग कैसे करती है द बेसिक और इसके कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिस्ट बहुत सारे टर्म्स हैं जो न्यू हैं आपके लिए वो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आई एल गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ़ाइन थर्ड जो यूनिट है दैट इज़ योर डेटा बेस कॉन्सेप्ट एंड दी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सो डेटा आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम है तो उसके पीछे एक डेटा बेस होना ज़रूरी है दैट मीन्स टू स्टोर डेटा इन अ प्रॉपर वे सो वो उससे रिलेटेड एक पोर्शन होता है उससे रिलेटेड एक टॉपिक uh, होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कि हम डेटा के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं या उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं तो उससे कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स हैं कि कैसे हम टेबल बनाएंगे कैसे डेटा को स्टोर करेंगे कैसे हम क्वेरीज़ करेंगे तो वो ये पूरा पोर्शन कवर करेगा और ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स का है दैट इज़ थर्टी मार्क्स आपके पूरे सिलेबस का कैरी करता है ठीक है एंड लास्ट यूनिट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड दैट इज़ दी बेसिक दैट मीन्स जो लेटेस्ट क्या चल रहा है आपके राइट नाव करेंट सिनारी में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ चल रही है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक छोटा सा पोर्शन है विच कैरीज फाइव मार्क्स एंड यूनिट टू इज़ कैरीज ट्वेंटी फाइव मार्क्स ठीक है सो टोटल सेवेंटी मार्क्स का थ्योरी एंड थर्टी मार्क्स का आपका Practical. So let's start our first chapter that is Computer System, which comes under Unit 1. So, Chapter 1 is the only chapter in Unit 1 which carries 10 marks. Fine. So, let us start with the introduction. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम एक्जीक्यूट इट एंड डिसप्लेस द आउटपुट टू द यूजर सो फ्रॉम द वेरी प्राइमरी क्लासेज यू हैव टॉट दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच एक्सेप्ट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एक प्रोसेसिंग इसके बीच में होगा और एक आउटपुट हमें मिलेगा फाइन टू गेट दी आउटपुट और टू इंस्ट्रक्ट द इनपुट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइज एंड आउटपुट डिवाइजिज एंड सी पी यू फॉर द प्रोसेसिंग ये हम लोग लेटर देखेंगे सो कम्प्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेट्स आर कनेक्टेड टू वन अनादर एंड हाउ दे एफेक्ट वन अनादर फंक्शनिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा किसी भी सिस्टम का सो यू नो कि हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इनके बीच में जो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होगा उसे मैनेज करते हैं या उसे स्टडी करना दैट कम्स अंडर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सो यू कैन सी हेयर अ फ्लो चार्ट दैट इज़ डेटा प्रोसेसिंग एंड देन यू आर गेटिंग एन इंफॉर्मेशन एंड With the help of processing, we can also storage data. Fine. So, uh, data storage comes under memory, and processing is the CPU. Data, that means the instruction given to the uh, computer, that is input, and information will be the result, that is the output. Fine. Computer is made up of hardware and software. ठीक है तो जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइजेज हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है दैट इज योर हार्डवेयर एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम विच इंस्ट्रक्ट्स और विच परफॉर्म्स द रिजल्ट दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर लाइक मदरबोर्ड मेमरी डिवाइजेज मॉनिटर की बोर्ड एक्सेट्रा वेर एज सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन सो यू कैन सी द बेसिक ब्लॉक डायग्राम हेयर दैट इज़ इनपुट यूनिट इज़ देअर आउटपुट यूनिट इज देअर एंड उसके बीच में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग है विच इंक्लूड्स योर सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज एज वेल एज दी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ सी यू एंड ए एल यू ठीक है एक रजिस्टर भी होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फ़ाइन सो so ये स्ट्रक्चर शायद आई डोंट थिंक सो इट इज़ फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट फाइन नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर इनपुट यूनिट एन इनपुट यूनिट टेक्स और एक्सेप्ट इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इन टू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर फाइन तो जो भी इनपुट यूनिट है वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा इनपुट को और उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और बाइनरी फॉर्म कौन समझ सकता है कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है फ़ाइन सो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं इवन इट इज़ अ कीबोर्ड माउस लाइट पेन और एनी अदर इनपुट डिवाइस तो दैट विल बी एक्सेप्टेड बाई द सिस्टम राइट एंड इट इज़ कन्वर्टेड इन टू द बाइनरी फॉर्म सो दैट इज द मशीन लैंग्वेज फाइन उसके बाद जो होता है आउटपुट का रोल आता है राइट वो हम बाद में देखेंगे सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइज द वेरी फर्स्ट इज योर की बोर्ड सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग वेरी डिटेल्ड वन बिकॉज दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट और दिस इज द बेसिक टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसस So keyboard, the most commonly used input device is a keyboard which directly enters data into the computer in the form of letters, digits and commands. So आपको पता है different types of keys होती है वो keys क्या करती है uh, को press करने से हमें जो भी uh, instruction देना है जो भी computer पर type करना है या आपने कोई command देना है तो वो हम keyboard के through दे सकते हैं So you can see the structure of the keyboard here. Next is your mouse. अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विद अ रोल एट इट्स बेस यूज फॉर मूविंग अ पॉइंटर ऑन अ कंप्यूटर मोनिटर फाइन आपको पता है कि माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें तीन बटन्स होते हैं लेफ्ट राइट एंड द स्क्र बार इन बिटवीन राइट इनका काम क्या होता है टू

और आप किसी भी एरिया uh, पे जो आपको विजिबल है मॉनिटर पे आप पोजीशन दे सकते हो और उसे सिलेक्ट uh, कर सकते हो या जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देना है वो आप इन थ्री बटन्स के थ्रू दे सकते हो व्हेन अ यूजर मूव्स अ माउस अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस द पॉइंटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द माउस मूवमेंट फाइन इट्स वेरी सिंपल जहाँ जहाँ मेरा माउस मूव करेगा वहाँ वहाँ मेरा पॉइंटर भी मूव करेगा सो so, उस एरो को हम पॉइंटर कहते हैं let's move next uh, that is light pen the third input device is your light pen a light pen is a pointing device that can be used to select anything on the computer screen by simply pointing at it or fro drawing figures directly on the screen so light pen is very simple input device जस्ट एक पेन की तरह होता है जिसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है एट द टॉप एट द टिप एंड विथ द हेल्प ऑफ द टिप वी कैन सेलेक्ट एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन राइट बाई मूविंग दी द पॉइंट वी कैन ऑल्सो ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन द स्क्रीन सो इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल माउंटेड ऑन अ पेन शेप्ड ट्यूब and is capable of sensing a position on the screen when its tip touches the screen. So when its tip touches the screen, so the tip consists of a photocell which is mounted on the pen-like structure, right? And that photocell cell retrieve the uh, senses and give instruction to, to the screen, give instruction to the computer system. So this is a simple light, uh, light pen input device. Okay, with the help of pointing device we can use for the instruction fourth is your optical mark reader that is omr and omr is a capable of recognizing a pre-specified type of mark made with a dark pencil or ink fine इट इज़ वेरी सिंपल इनपुट डिवाइस आपको पता है कि हम लोग कई बार एम सी क्यूज एग्ज़ाम्स देते हैं तो एम सी क्यूज एग्जाम्स में फोर ऑल्टरिव होते हैं हो जिसमें से एक आंसर करेक्ट होता है तो हमें उसे सर्कल बनाना है जैसे कि आप अपने एग्जाम पेपर पे अपने रोल नंबर सर्कल करते हो टू रिकोगनाइज योर रोल नंबर फाइन सो दीज ओ एम आर रीडर हेल्प्स टू रीड दैट पर्टिकुलर डार्क a uh, dark marked sheet fine we can read it special pre-printed forms are designed with boxes that can be marked with a dark pencil or ink such a document is read by an omr which transcribes the marks into electrical pulses that are transmitted to the computer सो इट्स वेरी सिंपल आपका जो आंसर शीट होता है वो हम ऑलरेडी हम कंप्यूटर में या डिवाइस में स्टोर कर देते हैं फिर आप लोगों ने देखा होगा आप जब भी बैंक एग्जाम्स देते हो या कोई कॉम्पिटिशनल uh, एग्ज़ाम्स देते हो तो उसमें सिर्फ एम सी क्यूज आते हैं यू हैव फोर ऑप्शन फोर और फाइव ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन राइट तो जब सर्कल हम करते हैं तो वो शीट को इस डिवाइस पर डालने से आपका आंसर ऑलरेडी इसमें स्टोर है तो वो रिकॉग्नाइज करेगा और अकॉर्डिंग टू द करेक्ट आंसर इट विल मार्क एंड विद द अदर आउटपुट डिवाइस वी कैन डिस्प्ले द रिजल्ट फाइन सो इट्स वेरी सिंपल डिवाइस यू कैन सी सबके इमेज इज शोन हेयर ऑन योर स्क्रीन ठीक है दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एंड द मशीन विच वी यूज टू रिकॉग्नाइज दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल मार्क रीडर फाइन

विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन फाइंड आउट दी रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ओ एम आर शीट डन नेक्स्ट इज योर स्मार्ट कार्ड रीडर सो ये भी आपको पता है स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होती है या स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं दैट इज अ स्मार्ट कार्ड इज़ Embedded with a microprocessor that can hold a certain amount of personal data in its memory, तो so, आपके स्मार्ट कार्ड में एक छोटा सा चिप होता है एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर सारी जो डिटेल्स है आपके कार्ड से रिलेटेड या अकाउंट डिटेल्स वो उसमें प्रजेंट होती है तो ऐसा डिवाइस जो इस स्मार्ट क्लास को स्मार्ट uh, कार्ड को रीड करने के लिए यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ए स्मार्ट कार्ड रीडर The special reader machine that is used to read this microprocessor is known as smart card reader. The card is made up of plastic, so you know that debit, ATM cards or uh, credit cards are made up of plastics, generally PVC. Fine. Smart cards are used as ATM cards, ID cards, credit and debit cards. They are used in ba banking. एंड मेडिकल सेक्टर एंड इन लार्ज कंपनीज़ फॉर स्ट्रांग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन फाइन सो वो चिप जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कई बार ऐसा होता है कि कार्ड खोने पर हम लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है दैट इज़ अ रीज़न क्योंकि दैट चिप कंटेंट्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंट सो इस मशीन को हम रीड करने के लिए यूज़ करते हैं कार्ड को हम रीड करने के लिए यूज़ करते हैं ये मशीन आपने देखा होगा आप कभी रिलायंस फ्रेश गए हो आप कभी किसी मॉल में गए हो किसी शॉप पे गए हो आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन कार्ड पेमेंट ही होता है इवन दो तो पेट्रोल पंप्स में भी है तो सिंपली यू जस्ट यू हैव टू पे दी यू हैव टू गिव दी कार्ड टू द पर्सन एंड ही विल रीड और ईजिली आपका जो अमाउंट है वो ट्रांजेक्शन हो जाता है सो इट्स वेरी सिंपल नेक्स्ट इज़ योर बार कोड रीडर अ बार कोड रीडर ओके सो अ बार कोड इज़ अ कलेक्शन और अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड बेथ दैट आर प्रिंटेड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सो इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल आपको देख के पता चल गया होगा आपके हर एक प्रोडक्ट्स में uh, जो पैकेज होता है उसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट लाइंस जो है इसका स्ट्रक्चर बना होता है

लाइट पास रे पास होगी और एक लेंस होता है टू रीड दैट स्क्रीन एक लेंस लाइट सेंसर होता है इस पर्टिकुलर डिवाइस में विच रियजैक्टली कन्वर्ट्स दी ऑप्टिकल मतलब जो लाइट है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है इट कंटेन्स डी कोडर सर्किटरी विच एनालाइज दी बारकोड्स इमेज डेटा एंड सेंस द बारकोड्स कंटेंट टू द स्कैनर्स आउटपुट पोर्ट तो जो भी डिवाइस इस पर्टिकुलर बारकोड रीडर से कनेक्टेड होगा आउटपुट डिवाइस कोर्स दी मॉनिटर एंड दी सीपीयू जो भी है वो क्या करेगा इससे सिग्नल को गेट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल सिग्नल्स को गेट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग uh, उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पर शो करेगा तो आउटपुट पोर्ट पर शो करेगा सो इट्स वेरी सिंपल वैसे ही बार रीडर के अलावा एक और होता है क्यू कोड रीडर सो so, जैसे हमने लाइंस या सीक्वेंस ऑफ लाइंस को हमने रीड किया बार कोड रीडर से वैसे ही क्यू क्यू कोड एक रीडर होता है एक मशीन होती है जो क्यू कोड को आपके स्कैन करता है एंड द क्यू आर कोड इज विच कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द दी uh, लिंक और जो भी इंफॉर्मेशन है या अकाउंट है जो भी है उसे आप रीड कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो नोटबुक होती है नोटबुक में आज मोस्ट ऑफ़ द टाइम पीछे या फ्रंट में क्यू आर कोड होता है कि अगर आपको इससे एडिशनल रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए या बुक्स चाहिए तो वो आप क्यू आर कोड को आप सिंपली अपने मोबाइल के साथ या अपने डिवाइस के साथ स्कैन कर लो एंड यू कैन यूज़ दैट सो वो क्यू आर कोड को जो रीड करने के लिए मशीन हम यूज़ करते हैं उसे हम क्यू आर QR code reader. So let's read. QR code is an abbreviation for quick response code. Fine. It is a special kind of barcode that anybody can scan with a smartphone app that usually directs the user to a website. QR code have gained पॉपुलैरिटी इन कमर्शियल मार्किटिंग बिकॉज दे आर वेरी इजी टू हैंडल सो ये आपको पता है कि बहुत ईजी है ऑफकोर्स सिंपली रीडिंग दिस क्यू आर कोड वी कैन रीड डायरेक्ट टू एनी लिंक और एनी अदर पेज एनी अदर वेबसाइट मैसेज ई मेल एड्रेस और एनी इवेंट लोकेशन एक्सेट्रा सो दिस इज वेरी सिम्पल इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू रीड दी क्यू आर कोड एंड विच मेक्स एनी हाउ दर्क ईजी Next is your biometric sensor. It is an input device that is used to uniquely identify a person on the basis of physical or behavioral traits. So it's very simple. आपको पता है आपकी अटेंडेंस होती है right? आपको सिर्फ थम इम्प्रेशन करना पड़ता है कई बार तो थम इम्प्रेशन नहीं उसके अलावा फेस रिकोगनाइजेशन भी होता है कई बार जो आपके Uh, पूरे पाम जो है उसको भी यूज़ करके हम इसे सेंसर के थ्रू uh, इनपुट देने के लिए काम कर सकते हैं सो so, ये बायोमेट्रिक सेंसर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो आपके फिजिकल और बिहेवियरल ट्रैट के बेसिस पे आपके को आइडेंटिफाई करेगा या इनपुट लेगा सो आई अ बायोमेट्रिक सेंसर कैन स्कैन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई फिंगरप्रिंट्स और डी

ऑफिस के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते तो एनी हाउ इट हेल्प्स इन सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज योर टच स्क्रीन इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन विच अलाउज इंटरेक्शन कंप्यूटर थ्रू अ टच सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल कवरिंग द एंटायर स्क्रीन विदाउट एनी इंटरमीडिएट डिवाइस फाइन द टच स्क्रीन यूजिज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द यूजर्स

fine this facility is usually found in public places such as automated teller machine atm shopping malls amusement parks airports and in mobile devices fine i no need to explain it more to you because it's very simple input device next is your microphone a microphone is an input device used to provide audio data to a computer it works with a sound card एंड इज़ मेनली यूज फॉर साउंड रिकॉर्डिंग तो आपको पता है आप माइक यूज़ कर चुके हैं राइट सो दैट इज़ योर माइक्रोफोन अब यहाँ तक अभी हम लोग फोटो सेल्स यूज़ कर रहे थे अभी तक हम लोग फेज रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू इनपुट दे रहे थे टच स्क्रीन्स में यूज़ कर रहे थे बट यहाँ पे आपका जो इनपुट होगा वो साउंड के फॉर्म पर होगा आपका साउंड जो है माइक्रोफोन एज अ इनपुट लेगा इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर उसे फर्दर स्पीकर के थ्रू और एनी अदर डिवाइस के थ्रू वो उसका आउटपुट जनरेट करेगा वेरी सिंपल नेक्स्ट इज़ योर वेब कैमरा अ वेब कैम इज़ अ कैमरा दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इट कैप्चर्स स्टिल पिक्चर्स एज एज वेल एज वीडियोज एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसमिट दैम इन रियल टाइम अनलाइक अ डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल कैम कॉर्डर अ वेब कैम डज़ नॉट हैव एनी बिल्ट इन स्टोरेज इन स्टेड इट ऑलवेज यूज़ द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एज इट स्टोरेज सो इट्स वेरी सिंपल वेब कैमरा टू रिकोगनाइज योर स्टिल पिक्चर्स और योर वीडियोज़ को कैप्चर करने के लिए वेब कैमरा यूज़ होता है आपको पता है आप लोग वीडियो कॉल्स करते हैं राइट तो वीडियो कॉल्स करते वक्त आपका जो फिज़िकल uh, अपेयरेंस है वो कैप्चर करके वो कहीं किसी और जगह पे शो कर रहा है या किसी और दूसरे डिवाइस पे uh, शो करना दैट इज दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ द वेब कैमरा सो इसमें यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस इट इज़ जस्ट सिंपली रिकॉग्नाइज द वीडियो और दी कैप्चर दी स्टिल पिक्चर्स बट स्टोरेज के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड और एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव डालना पड़ता है या लगाना पड़ता है या अटैच करना पड़ता है फाइन सो दैट्स ऑल अबाउट योर इनपुट डिवाइसेस एंड देयर आर मैनी मोर बट येस फ्यू हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर आउटपुट यूनिट आउटपुट यूनिट इज फाउंड बाय दी आउटपुट डिवाइज अटैच टू अ कंप्यूटर Output devices produce the output generated by the CPU in human readable form. दीज डिवाइेज़स कैन ऑल्सो भी यूज टू स्टोर दी स्टोर दी रिज़ल्ट फॉर फ्यूचर यूज सो इट्स वेरी सिंपल वो डिवाइजिज जो भी इनपुट्स हमने दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू एक प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखना है या गेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा सो दैट कम्स अंडर आउटपुट यूनिट सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर The very first and the common one is visual display unit, BDU or monitor. The monitor, popularly known as screen, is the most common device for displaying the output of the computer processed information. It displays information in the same way as it is seen on a television screen. So, I no need to explain it to you. It's just a TV screen, right, which displays the output when. the computer system is given some instruct instruction by the input devices. the monitor is also called as visual display terminal or visual display unit. so aisa kai bar question aata hai ki what is the full form of VDU और उसके options में ये multiple दिए जाते हैं जो options हैं. so please make sure कि visual display terminal भी हम उसे बोल सकते हैं, visual display unit भी हम VDU को बोल सकते हैं, right? सो यू कैन करेक्ट अकॉर्डिंग टू द यू कैन सेलेक्ट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द करेक्टनेस इट्स डिस्प्ले मे बी सी आर टी दैट इज कैथोड रे ट्यूब एल सी डी और प्लाज्मा और टच सेंसिटिव सो आप जो डिस्प्ले सिंपल पहले तो क्या मोनिटर आता था वो बिल्कुल टच स्क्रीन नहीं हुआ करता था इट्स जस्ट डेस्क टॉप इट जस्ट लाइक अ टी वी टी वी स्ट्रक्चर बट अभी अपने पास एल भी है दैट मीन्स अ फ्लैट वन द फ्लैट डिस्प्ले उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है दैट इज़ योर प्लाज्मा और टच सेंसिटिव अभी टच सेंसिटिव जो आ, वी, आ, जो एल सी या वीडियोज़ भी मार्केट में अवेलेबल है सो इट्स वेरी सिंपल लेट सी द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज़ योर एल स्क्रीन सो सेम अभी हम लोग ने वीडियोस देखा वैसे ही एलसीडी भी होता है बट इसमें डिफरेंस क्या है वीडियो में Uh, जो टेक्नोलॉजी uh, अलग है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी अलग है और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल सी डी स्मॉलर एंड लाइटर इन वेट एज कंपेयर टू सी आर टी मोनिटर ऑफकोर्स वेट में कम हुए है और इसके लाइटर भी और स्मॉलर भी है एंड इट इज़ आइडियल फॉर यूज इन लैपटॉप्स पाम टॉप्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइस सो कई बार पोर्टेबल डिवाइस मतलब आपका जो ये लैपटॉप का स्क्रीन है दैट इज़ ऑल्सो अ एल सी डी स्क्रीन फाइन सो यू कैन सिंपली रिकोगनाइज़ कि एल सी डी और वीडियो में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट इज योर प्रिंटर अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट हार्ड कापीज़ दैट इज़ योर प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम सो इट्स वेरी सिम्पल आपके जो भी हार्ड कापीज़ अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंटर की हेल्प से या प्रिंटर डिवाइस की हेल्प से उसकी हार्ड कॉपीज़ जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज है उसको हार्ड कॉपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो द प्रिंटर कैन जनरेट बोथ टेक्स्ट एंड इमेज ऑन पेपर टेक्स्ट एज वेल एज इमेज को वो आप पे, आपके पेपर में एज इट इज़ प्रिंट करके दे सकता है बेसिकली प्रिंटर्स आर क्लासीफाइड एज इम्पैक्ट देर इज़ अ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हैड एंड पेपर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटर हैड एंड पेपर सो वेरी सिंपल प्रिंटर्स भी दो टाइप्स के होते हैं एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट में जैसे कि आपका टाइपराइटर हुआ करता था मतलब इंक जो आपका प्रिंटर हेड है वो पेपर पे टच करेगा कॉन्टैक्ट करेगा तब जाके आपका जो भी आ, जो भी आपने टाइप किया है या जो भी आपने आ, जो भी आपकी स्क्रीन पर है वो प्रिंटो कराएगा ठीक है उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है नेक्स्ट इज योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब देर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हैड एंड द पेपर बट लेज़र के थ्रू या लाइट के थ्रू जो है आपके सॉफ्ट कॉपी को रीड किया जाता है और उसे एज अ पेपर पे प्रिंट किया जाता है सो लेट्स सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स फर्स्ट इज़ योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑल्सो नॉन एज सीरियल प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम ठीक है जैसे हमने अभी बात करी थी इम्पैक्ट फाइन ये कुछ ऐसा ही काम करेगा मतलब एक कैरेक्टर को एक ही टाइम पे रीड करेगा और उसे टाइप करेगा इट यूजेस डॉट्स टू क्रिएट एन इमेज दिस प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग एंड इंक सोक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर एंड हैंड्स इट इज़ टर्म्ड एज इम्पैक्ट प्रिंटर फाइन सो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है बिटवीन द प्रिंटर हेडर हेडर एंड द पेपर दैट इज रीजन जो है आपका जो इंक है वो स्ट्राइक करेगा आपके रिबन पर या आपके पेपर पर दस एक एक कैरेक्टर को वो प्रिंट करता जाएगा फाइन दीज प्रिंटर्स हैव लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कैन बी यूज टू जनरेट कार्बन कॉपीज ऑल्सो ठीक है थोड़ा सा कंपेरिजन टू अदर ये थोड़ा लो ऑफ कॉस्ट है ठीक है next is your inkjet dex jet, your yeah, bubble jet printers. an inkjet printer is the most common type of low-cost printer. it uses the technique of spreading quick, dry ink on paper. the ink is stored in the form of cartridges of different colors, red, green, black, yellow. these printers generate high-quality prints and are ideal for स्मॉल ऑफिसज इन होम्स फाइन तो आपके जो नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं वही आपके जो है इंक जेट या डेस्क जेट प्रिंटर्स होते हैं इसका काम क्या होता है ऑफ़कोर्स लाइट जो है लाइट के थ्रू होता है और लाइट uh, के थ्रू आपकी जो स्कैनिंग होती है आपकी जो कॉपी है उसको रीड किया जाता है और इसके अंदर एक कैटरीज होती है जिसमें इंक भरा हुआ होता है वो ऑफ डिफरेंट कलर सो वॉट एवर कलर यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इज़ योर लेज़र प्रिंटर दीज प्रिंटर्स यूज लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स दे आर वेरी फास्ट एंड आर यूज फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटर सो इंक चैट की तरह ही लेज़र प्रिंटर होता है बट द डिफरेंस इज इंक चैट एज कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर थोड़ा सा लो है दैट मीन्स लेज़र प्रिंटर थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में आपको प्रिंट प्रोवाइड कर सकता है बट द टेक्नोलॉजी इज सेम वही लाइट रीड करना है वही आपका सेम प्रोसीजर रहेगा आपके पेपर को आपको प्रिंटर में सेट करना पड़ेगा और जो भी क्वालिटी है उसे आ, एक 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 करके लाइन से स्कैन करते हुए वो आपके पेपर पे प्रिंट करेगा बट लेज़र क्या है कि क्वालिटी एज कंपेयर टू इंक चैट थोड़ी सी ज़्यादा है ठीक है दैट्स ऑल अबाउट योर प्रिंटर सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस दैट इज योर स्पीकर अ स्पीकर इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट जनरेट्स साउंड एज एन आउटपुट सो इट्स वेरी सिंपल आपको जो भी साउंड के रूप में आउटपुट देने वाला डिवाइस उसे हम स्पीकर कहते हैं फॉर अ स्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड साउंड कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन द कम्प्यूटर सिस्टम ठीक है इट्स वेरी सिंपल स्पीकर बताने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज़ योर प्लॉटर्स प्लॉटर्स आर आउटपुट डिवाइस दैट आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी इमेज एंड ड्राॅइंगस प्लॉटर और प्रिंटर सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं बट प्लॉटर्स जो होती है डिफरेंट कंपनीज जो है यूज़ करती है फॉर ग्राफिकल और फॉर कंप्यूटर एडिड डिज़ाइंस ठीक है इससे क्या है कि जो प्रोड्यू जो जो भी आउटपुट आपका हार्ड प्रिंट में आ रहा है वो थोड़ा और गुड क्वालिटी इमेजेस और ड्राइंग्स के रूप में आएगा मोस्ट ऑफ द कंपनी जब अपना बजटिंग करती है या अपने किसी प्रोजेक्ट का ब्लू प्रिंट निकालती है या कोई ग्राफिकल तरीके से या तरीके से आपका जो आउटपुट अगर वो चाहती है तो हम प्लॉटर्स को यूज़ कर सकते हैं तो इट्स वेरी सिंपल सो दैट्स ऑल अबाउट योर

डायरेक्ट्स कंट्रोल्स एंड गवंस ऑल द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन साइड द कंप्यूटर ठीक है सो जो भी प्रोसेसिंग वाला काम है वो किसका होता है सीपी यू का होता है द सी पी यू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर्थमैटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन्स आर मेड इन दिस यूनिट इज परफॉर्म बाय द अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट इट परफॉर्म्स द अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सेंट फ्रॉम द मेमरी एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द मेमरी द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इज इधर ट्रू और फॉल्स एंड हेल्प्स द कंप्यूटर इन डिसीजन मेकिंग सो अर्थमैटिक लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिक यूनिट का मतलब है कितने भी आपके अर्थमैटिक दैट मीन्स यूर प्लस माइनस अब्सट्रैक्शन एडिशन लॉजिकल ऑपरेशन दैट मीन्स ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉलर देन ठीक है वो लॉजिकल ऑपरेशन जो हैंडल करेगा कौन हैंडल करेगा ए एल यू करेगा और इसका काम होता है कि जो भी लॉजिकल और अर्थोमेटिक ऑपरेशन है उसे मेमरी तक पहुँचाए और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे आ, क्या बोलते हैं उसे मेमरी तक वापस रिटर्न करे ठीक है सो लॉजिकल ऑपरेशन इज इधर ट्रू और फॉल्स या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा ट्रू है तो इट विल कम फॉरवर्ड फॉल्स है तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा सो दस इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फाइन नेक्स्ट इज योर कंट्रोल यूनिट सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सी पी यू इज सी यू और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट और द सी यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमरी एंड फ्रॉम मेमरी टू आउटपुट डिवाइस मतलब जो भी इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेस पे जा रहा है उसके डेटा को फ्लो करना देन मेमोरी तक फ्लो करना एंड देन मेमोरी से उसके रिज़ल्ट को वापस आउटपुट तक लेके आने का काम किसका होता है कंट्रोल यूनिट का होता है तो विदाउट कंट्रोल यूनिट ये फ्लो ऑफ डेटा इज़ नॉट पॉसिबल फाइन सो

ठीक है फॉल्स इन ट्रू के बेसिस पे आपका डिसीजन मेकिंग हो रहा था ठीक है कुछ वर्क हो रहा था बट सी यू का काम होता है कि वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करे, मतलब इनपुट डिवाइस ने कुछ इनपुट दिया तो उसे डेटा को वो मेमोरी तक पहुँचाए फिर मेमोरी में कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद स्टोरेज या जो भी हुआ वापस आउटपुट डिवाइस तक उसका रिजल्ट पहुँचाने का काम किसका होता है सी का होता है नेक्स्ट इज़ योर रजिस्टर्स these are high speed temporary storage areas found in the cpu so there is a temporary storage areas in cpu which is called as registered registers work as per the instruction given by the cu storing instruction and data immediately required for performing an operation so cuk control mein hai registers तो so, जैसे ही सी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उसकी स्टोरेज को टेम्प्ररी स्टोरेज को मेनटेन करने का काम दैट इज़ योर रजिस्टर का पार्ट होता है ठीक है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना एज वेल एज़ डेटा को इमिजिएटली रिक्वायर्ड करना मतलब जो भी डेटा रिक्वायर्ड uh, है उसे जल्दी से रेडी करना दैट इज़ रजिस्टर का काम है फाइन सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेमोरी यूनिट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर आपका डेटा या जो भी परफॉर्म हुआ है या जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगा ठीक है मेमरी यूनिट इज़ यूज एज अ स्टोरेज यूनिट फॉर प्रोग्राम एज वेल एज डेटा इट इज़ द कम्प्यूटर मेमरी दैट इज़ एक्सिस्ड डायरेक्टली बाय द सी पी ओ फाइन द मेमरी कैन बी बोथ प्राइमरी सो प्राइमरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमरी एंड सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन Its location in the computer system. Fine. So, main memory or secondary memory. Yeah, primary memory and secondary memory. So, two types key memory possible. Primary memory or main memory is again further divided into different types that is RAM and ROM. Random access memory or RAM is a read and write memory as it is possible to both read from and write to location within the RAM. It is used for primary storage in computers to hold active information of data and instruction. The RAM is volatile memory as it loses its content when the power is switched off or interrupted. The RAM chip in a computer can be categorized into two that is dynamic RAM and static RAM. RAM that is very simple Aapke jo under सी पी यू के इनसाइड में एक मेमोरी होती है विच इज़ कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट ये वॉलेटाइल नेचर की होती है वॉलेटाइल मतलब अगर स्विच ऑफ ऑफ हो जाए या अचानक से पावर इंटरप्ट हो जाए तो आपका जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है राइट इट विल नॉट कीप दी कॉपी ऑफ दैट फाइन दूसरा दैट इज दिस इज़ रीड फ्रॉम एंड राइट बोथ काम करने का परफॉर्मेंस है दैट इज़ वी कैन रीड फ्राम एंड राइट टू लोकेशंस रैम के साथ हम कर सकते हैं ठीक है सो यू कैन सी द इमेज हाउ इट लुक्स बेसिकली हमारे सी पी यूज में दो रैम होते हैं ठीक है बट एक भी हो तो भी अपना काम चलता है नेक्स्ट इज योर रीड ऑनली मेमरी इट इज़ रीड ऑनली मेमरी ठीक है नेम से ही पता चल रहा है द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्लेसड इन द रोम एट द टाइम ऑफ इट्स मैनुफैक्चरिंग एंड कंट बी चेंज देर आफ्टर ठीक है ROM is slower than RAM and is used to hold certain exemption instruction to check basic hardware components such as booting, procedures to load, operating system and frequently needed functions. Uh, uh, Non-volatile in nature hai. matlab, the data will be stored permanently there is no uh, chances of losing data it will be fixed इनसाइड इट बट इट इज़ रीड ओनली मेमरी वी आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मेमरी ठीक है और जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है इसे जब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर जब अपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं तब ही इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को डाल दिया जाता है और वी कैन नॉट चेंज इट फाइन एंड दीज आर एग्जैक्टली वॉट हार बेसिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं हार्डवेयर कंपनेंट्स के रिलेटेड में जैसे बूटिंग प्रोसीजर है या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम है या कोई भी फंक्शंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टार्ट दैट इज़ हैंडल बाय दी रीड ओनली मेमोरी आपने देखा होगा कई बार आपके सिस्टम पे या तो अलग से भी आता है या फिर वो इनबिल्ट करके भी रोम आ सकता है फाइन सो लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ योर कैश मेमोरी कैश मेमोरी इज़ अ small memory that operates much faster than the primary memory or ram when the cpu requires certain data present in ram it first sends the request to the cache cache which stores recently used values since cache memory is placed between cpu and main memory it quickly makes this data available to the cpu instead of sending it to the main memory thus reducing access time significantly thereby इम्प्रूविंग दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इट्स वेरी सिंपल फंडा दैट इज़ आपके मेन मेमरी और सी पी यू के बीच में होता है ये कैश मेमोरी और इसके अंदर कुछ फ्रिक्वेंटली और जो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं वो वाली डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए किसी डेटा के लिए तो इंस्टेड ऑफ़ गोइंग टू द मेन मेमरी वॉट इट विल डू Uh, जो भी सी uh, यू है uh, जो सी यू हैंडल कर रहा है सिग्नल को वो केश मेमोरी में उस डेटा को सर्च करेगा चेक करेगा और फिर फ्रीक्वेंटली आपको वो आंसर एज अ आउटपुट डिवाइस के साथ दे देगा ठीक है मेन मेमोरी में थोड़ा और टाइम लगता है बट केश मेमोरी थोड़ा फास्ट होता है दैट इज़ द ओनली थिंग ठीक है क्योंकि ये इनके बीच में होता है और ये फ्रिक्वेंटली यूज मेमोरी या फ्रीकुंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है सो दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम का इम्प्रूव हो रहा है ठीक है दैट्स इट सो हेयर देर इज अ टेबल गिवन विच विच इज़ शोइंग यू दी डिफरेंट मेमरी यूनिट्स ठीक है बिट सबसे छोटा होता है फिर बाइट होता है फिर किलोबाइट मेगाबाइट गीगा बाइट पेट, पेटाबाइट

Hope you understood all the topic I shared to in today's class. Um, so we have gone through the introduction about computer system, uh, input devices, output devices, memory unit, CPU, and a small introduction about cache memory. So uh, kindly uh, go through the PDF file which I have shared you today. So you can find the notes in that, and you have to write these notes in your note copy. Fine. So, thank you for watching and take care.